तो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों के आर्मर के लिए बेस्ट एंटारमेंट, जिसको लगाने के बाद आप लोगों का आर्मर भी गॉड लेवल का आर्मर बन जाएगा। और अगर आप भी कोई सर्वर और एसएमबी में खेलते हो तो आप लोगों को कोई बंदा टच भी नहीं कर पाएगा। बट आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एंटारमेंट है जिसका यूज आप लोगों को अभी तक पता भी नहीं है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एंटारमेंट अपने चेस्ट प्लेट के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को चेस्ट प्लेट लेना है और आप लोगों को अनब्रेकिंग लेना है, जिससे आप लोगों का चेस्ट प्लेट नहीं टूटने वाला, क्योंकि ये आप लोगों का चेस्ट प्लेट का ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। तो अब अनब्रेकिंग लगाने के बाद आप लोगों को दूसरा बुक लगाना है, मेंडिंग का बुक। गाइस, मेंडिंग का बुक आप लोगों के आर्मर में जब लगता है तो आप लोगों का आर्मर इनडायरेक्टली इनविंसिबल हो जाता है। बट उसके लिए आप लोगों के आर्मर को एक्सपी मिलते रहना चाहिए, जिससे वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को लगाना है तीसरा बुक, जो की है थॉर्न्स का बुक। और गाइस, इसको लगाने के बाद अगर कोई बंदा आप लोगों को मारता है तो उसको भी डैमेज लगने वाला है, तब भी जब आप उसको नहीं मार रहे होते हो। और गाइस, बैटल और पीवीपी में इसका यूज बहुत बढ़िया होने वाला है। तो उसके बाद आप लोगों के चेस्ट पेट के लिए लास्ट बुक लगाना है आप लोगों को प्रोटेक्शन का बुक, जिससे कोई मॉब आप लोगों को मारता है तो उससे कम डैमेज मिलेगा आप लोगों को। तो अब चेस्ट पेट का तो खत्म हो चुका है, तो अब हमारी बारी आती है लेगिंग्स का। और गाइस, इन चारों आर्मर्स में तीन एंटारमेंट कॉमनली रखने वाले, जो कि अनब्रेकिंग, मेंडिंग और थ्रॉन्स का, जिनका यूज तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो तीन एंटारमेंट बुक को लगाने के बाद आप लोगों को फाइनली लगा लेना है अपने लेगिंग्स में फायर प्रोटेक्शन का बुक, जिसे लगाने के बाद अगर आप लोग फायर में घुसते हो तो आप लोगों का डैमेज 50% रिड्यूस हो जाएगा। और फाइनली आप लोगों के लेगिंग्स के लिए लास्ट बुक लगाने आप लोगों को स्विफ्ट स्नेक का बुक। ये बुक आप लोगों को सिर्फ एंशिएंट सिटी में देखने को मिलेगा, और अगर आप लोग इसको अपने लेगिंग्स में लगाओगे तो अगर आप क्रॉच कर मूव करोगे तो आप लोगों के पहले से 50% ज्यादा मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा। तो अब बारी आती है हमारे बूट्स की, और आप लोग पहले की तरह तीन एंटारमेंट्स पहले लगा लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों को लगाना है फाइनली ब्लास्ट प्रोटेक्शन, जिसको लगाने के बाद अगर आप लोग क्रीपर के सामने सीना तान के भी खड़े हो जाते हो तो आप लोगों का सिर्फ आधा हाल ही जाने वाला है, मतलब स्लॉट का आधा। और उसके बाद आप लोगों के बूट्स में आप लोगों को लगाना है सोल स्पीड का बुक, जो कि आप लोगों को नेदर में बैशन में मिल जाएगा, जिसको लगाने के बाद आप लोग सोल शाइन वैली में फास्ट चल सकते हो। और आपके पीछे पीछे ये सोल शाइन से सोल वाला इफेक्ट भी निकलेगा, जो कि बहुत बढ़िया दिखता है। और उसके बाद आप लोगों को लगा लेना अपने बूट्स में फेदर फॉलिंग का बुक, जिससे होगा ये कि अगर आप लोग केव से कहीं ऊपर से गिर जाते हो तो आप लोगों का फॉल डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो कि माइनर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और उसके बाद फाइनल बुक आप लोगों को लगाना है डेप्थ स्ट्राइडर का। अगर आप लोग ओशन में हो और आप लोग नीचे नीचे जाओगे तो ये आप लोगों को फास्ट ट्रैवल करने में हेल्प करेगा, जो कि आप लोगों को बुक के नाम से पता चल रहा होगा। तो फाइनली बारी आती है हमारे हेलमेट का, जो कि हमारा आर्मर का लास्ट सेट है। तो पहले की तरह टेन एंटारमेंट का बुक लगाने के बाद आप लोग इसमें लगा लेना है प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन का बुक, जिसे लगाने के बाद अगर आप लोगों को कोई किसी वेपन से मारता है तो 50% डैमेज रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद फाइनली आप लोगों को लगा लेना है अपने हेलमेट में रेस्पिरेशन, जिसे लगाने के बाद अगर आप लोग अंडर वाटर जाते हो तो आप लोगों का बबल्स धीरे कम होगा, जिसकी मदद से आप लोग शिप रैक और मॉन्यूमेंट आसानी से लूट सकते हो। तो इसके साथ हम लोगों का आर्मर कंप्लीट होता है। तो हाँ गाइस, हम लोग अपने आर्मर में इतना ही मैक्सिमम एंटारमेंट लगा सकते हैं। तो अब जल्दी से आप लोगों के सर्वाइवल वर्ल्ड या एसएमपी में जाकर अपने आर्मर में लगा लो। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।